श्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 1395 प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को संचालित किया है, जिससे आज इन प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। निष्पक्ष और पारदर्शिता से सभी भर्ती बोर्ड द्वारा नौकरी दी गई है। आज कोई नौकरियों में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5-6 साल में हमने हर भर्ती प्रक्रिया को मिशन रोजगार के अंतर्गत आगे बढ़ाने का काम किया है। जिस प्रदेश में पहले नौकरी नहीं मिल पाती थी, उसमें हमने नौकरियों को देने का काम किया है। प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम किया है। 1,61,00,000 युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी बाधाओं को दूर करने का काम किया है। 60,00,000 युवाओं को निवेशकों के साथ रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 10,00,000 से अधिक अग्निवीरों का चयन किया जा रहा है। आज प्रदेश और देश में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। नियुक्ति की इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी नवनियुक्त 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को हृदय से बधाई देता हूं। मेरे लिए यह एक प्रसन्नता का क्षण भी है कि प्रदेश का हमारा ऊर्जावान और प्रतिभाशाली युवा अपने प्रदेश के अंदर अपनी योग्यता के अनुसार अपनी सेवाएं एक निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर के देने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है।